राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 परिवहन विभाग यातायात पुलिस भीलवाड़ा की ओर से जन जागरूकता हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समयपुर व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहाना में भीलवाड़ा में कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक महेश कुमार पारिक कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। पारिक ने दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बताए वे उन पर कैसे प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है उसके तरीके बताए। पारिक ने बताया कि सभी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लापरवाही से वाहन चलाना है, तेज गति से वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना या थकावट नींद की कमी वह वाहन चलाना है या ओवरटेक करते समय लापरवाही करना भी मुख्य कारण है। वाहन चलाते समय इन बातों को ध्यान में देकर वाहन चलाया जाए तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। पारिक ने सड़क सुरक्षा अधिनियम 2019 को भी विस्तार से समझाया। इसके तहत वाहन चलाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वाहन चालक के पास होने चाहिए इसकी भी जानकारी दी। पारिक ने इनके महत्व को विस्तार से समझाया। पारिक ने गुड समय रिटर्न एक्ट को भी समझाया और छात्र छात्राओं व अध्यापकों को एक एक अच्छा समय रिटर्न बनने के तरीके व सुझाव बताए। पारिक ने कहा कि भीलवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समयपुर के अध्यापक और छात्र सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मदद करेगा, उस मददगार को पुरस्कृत भी किया जाएगा। पारिक ने प्रथम उपचार के तरीके भी बताए। पारिक ने आहार विहार व विचार के नियंत्रण के तरीके भी बताए। प्रोग्राम के अंत में प्रधानाचार्य सवाईपुर प्रधानाचार्य गर्ल्स स्कूल सिवाना ने परिवहन निरीक्षक महेश पारिक व परिवहन विभाग का धन्यवाद ज्ञापित किया। महेश पारिक, यह शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सड़क सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं अपने दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनकर प्रतिदिन कुछ समय सड़क सुरक्षा के लिए समर्पित करूंगा। हमेशा सीट बेल्ट व हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाऊंगा। जय हिंद। थैंक यू। बिल्कुल निकल गया मैम, यहाँ से। तो इसके लिए आपके जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने जो तैयारी की है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सरकार के लिए एक बार ताली बजा दो। राह तो चलकर ही मिलता है, राह तो चलकर ही मिलता है, भटककर ही सही। गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपके सर निकल पड़े उस राह पे। मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि आज जो भारत देश सड़क दुर्घटनाओं में विश्व में नंबर एक है सन 2006 से, निश्चित रूप से हम इन दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे और कम से कम आज प्रतिदिन कम से कम 450 लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? 450। और कम से कम 2000 लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। आपका स्कूल भी हाईवे के ऊपर है तो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है ना। रोड क्रॉस करने कैसे रोड क्रॉस करना है, ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई बता सकता है कौन जिम्मेदार है? रोड एक्सीडेंट जब होता है तो सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? स्वयं की गलती, जो वाहन चालक है उसकी गलती, जो रोड यूजर है। अगर वो ध्यान से रोड क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो एक बार शपथ दिला दें बच्चों को, बाद में दिलाएं, समापन के समय पर शपथ दिला देंगे। ठीक है, तो जो आज क्या बदलने की जरूरत है, देखो रोड सेफ्टी बिल बहुत खतरनाक कानून है जिसमें जुर्माने बहुत बढ़ा दिए हैं, है ना। एक सीटबेल्ट वगैरह ये हेलमेट अगर जैसे नहीं लगा के अगर व्हीकल चलाएं तो कितना जुर्माना? 1000 रुपए। पहले 100 रुपए जुर्माना था। विदाउट हेलमेट अगर बाइक चलाते हैं तो कितना जुर्माना? 1000 रुपए। पहले 100 रुपए था।
और व्हीकल पे जैसे बाइक के ऊपर अगर एक्स्ट्रा सवारी बिठा रखी उसका कितना जुर्माना है? 1000 रुपए। पहले कितना? 100 रुपए जुर्माना। अच्छा, आप लोगों के कितने बच्चों के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस? हाथ खड़े करो। एक भी बच्चे के पास नहीं है? अच्छा, और कितने बच्चे लाइसेंस, कितने बच्चे को बाइक चलाना आता है? हाँ, कितने बच्चों? वेरी गुड, ताली बजाओ। लेकिन हाईवे पे बाइक नहीं चलानी है, ठीक है? बिना लाइसेंस के चलाना आता अच्छी बात है, लेकिन हाईवे पे बाइक नहीं चलानी है। अगर आप लोगों ने बाइक चलाई तो क्या होगा? नए कानून में कितना प्रावधान, क्या प्रोविजन है? आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स जो आपको बाइक दे रहा है उसको 2 साल की जेल है। कितने? 2 साल की जेल। और जुर्माना कितना? 25,000 रुपए। कितना जुर्माना है? तो इतना जुर्माना करवाना है क्या? वेरी गुड। तो आज क्या बदलने की जरूरत है? सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या चाहिए? हम सब लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्या बदलना है? सोच को बदलनी है। जो भी एक्सीडेंट आज हो रहे हैं, प्रतिदिन 500 लोग रोड पर चुपचाप मर रहे हैं। कौन लोग है वो? अपने में से कोई है, अपने भाई बंधु हो सकते हैं, ठीक है? अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक और नया कानून अभी आ गया, गुड सैमरियन एक्ट। इस कानून में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है रोड पे, तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई व्हीकल है जिसको उठा के हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 108 कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 108। उससे उस भाई की या उस व्यक्ति की जान बच सकती है। करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस को